उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में ओवरलोड गाड़ियां को ना पास करने पर सिहोरी टोल प्लाजा के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर को फोन पर धमकी दी गई है। धमकी देने वाले शख्स से अपनी पहचान प्रतापगढ़ जिले के कुंडा निवासी राजेंद्र सिंह के रूप में दी है। आरोप है कि मामले में जब डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर आरएल पाटीदार ने स्थानीय पुलिस से शिकायत की तो थाना पुलिस ने केस नहीं दर्ज किया, जिसके बाद धमकी भरा ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी ने पूरे मामले में पुलिस को केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिले के कोखरा थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर मौजूद सिहोरी टोल प्लाजा पर पिछले एक माह से ओवरलोड वाहनों व जानवर गाड़ियों द्वारा बैरियर तोड़ने का सिलसिला रातों दिन जारी है। आरोप है कि मामले में टोल प्लाजा के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर आरएल पाटीदार के बार बार शिकायत करने के बाद भी कोखराज पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं धमकी भरा ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी प्रदीप गुप्ता ने केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं एसपी के निर्देश के बाद जब पुलिस धमकी देने वाले शख्स के विरुद्ध केस दर्ज कर मोबाइल नंबर को ट्रेस कर आगे बढ़ी तो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर को धमकी देने वाले शख्स की पहचान प्रतापगढ़ जिले के कुंडा कोतवाल में तैनात कोतवाल के कांस्टेबल चालक अमित सिंह के रूप में हुई है। पूरे मामले में कौशाम्बी एसपी ने प्रतापगढ़ एसपी को पत्र लिखकर आगे की कार्रवाई किए जाने की बात कही। पेश है कौशाम्बी के संवाददाता राम किशन की खास रिपोर्ट। प्लाजा के डिप्टी मैनेजर हैं आरएल पाटीदार, इनको दो फोन नंबरों से अलग अलग कल धमकी आई है। इस पे इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था जिस पे मुकदमा कायम करने के आदेश दे दिए गए हैं। उन नंबरों की जांच होगी, किसने ये धमकी दी है ये पता करके उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी इस बारे में हम कह नहीं सकते। धमकी में राजेंद्र सिंह का नाम आया है कि मैं राजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। कौन है राजेंद्र सिंह या कौन जो भी है जो उस नंबर को यूज़ करता है, जिसने भी धमकी दी है उसको पता करके हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर पुलिस का है तो भी कार्रवाई होगी। सर रातों दिन टोल प्लाजा से गाड़ियां बैरियर तोड़ के निकलती हैं, मामले की शिकायत कोखराज पुलिस जो भी शिकायतें मिलती हैं उनमें मामले दर्ज किए जाते हैं। पहले भी ये घटनाएं होती रही हैं कि चूंकि काफ़ी फास्ट ट्रैफिक है तो तोड़ के निकलती हैं, FIR कायम की जाती हैं और उनको यथासंभव ट्रेस करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। टोल प्लाजा पर आए दिन बालू गाड़ियाँ, मिट्टी गाड़ियाँ, ओवरलोड गाड़ियाँ आदि निकलती है, उनका हम टोल टैक्स पूरा ओवरलोड लेते हैं। बड़ी धमकियाँ आ रही हैं, आए दिन बड़ी धमकी दे रहे हैं हमको। मैंने कई रोज करीब करीब पढ़ रहे हैं, यहाँ से एप्लीकेशन जा रहे हैं, बैरियर तोड़ के भाग रहे लोग, यहाँ से बैरियर तोड़ने की एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन कागज कुछ नहीं। मैंने सब पुलिस विभाग को सबको बता रखा है, थाने में सुनना दे रही है, किसी को कार्रवाई नहीं। मैं किसी गाड़ी वाले को पकड़ा, जब गाड़ी वाले बिंदास घूम रहे हैं यहाँ पे, यहीं की गाड़ी आ रही है, नंबर सही गाड़ी का नंबर दे रहा था, उसके बाद में कार्रवाई नहीं हो रही है।